हेलो दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो जो पैरों का ब्रेक होता है उसका लीवर के बारे में है। मेरा लीवर कुछ ख़राब हो गया था, उसका भीतर का जो नट है वो नट का पैच जो है वो कट गया है, तो उसी के बारे में वीडियो है। चलो वीडियो को एंजॉय करो। ये जो ब्रेक लीवर है तो इसका भीतर एक एलंकी वाला बोल्ट होता है, तो एलंकी वाला बोल्ट तो ठीक है, मगर इसका भीतर जो पेंच है वो पेंच कट गया है। ये एलंकी वाला बोल्ट रहता है, इसका भीतर ये पेंच होता है। तो ये यहाँ का मतलब कि यहाँ पर जो पेंच होता है वो पेंच कट गया है, तो इसलिए फुल टाइट नहीं होगा, ऐसे हिल रहा है। तो इसको आप घर में भी कर सकते हैं, आसान सा बात है। इसको आप ये एलंकी को 5 नंबर की एलंकी से खोल के इसको थोड़ा सा निकालेंगे तो खुल जाएगा। देखिए खुल गया। और ये है, ये नया वाला माल है। देखिए इसका पार्ट नंबर भी यही है, N9112010। तो ये ब्रेक लीवर मैं तो कह हर अपाची में लगता है, सबका एक ही पार्ट नंबर है, एक ही प्राइस है। मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, 12/2021 का है। तो मैंने चेक किया है उसके वेबसाइट में, ये सब अपाची में यही लगता है, 2V 4V, जितना भी मतलब कि 2V और 4V में, क्या ये 162V हो या 182V हो या 164V हो या 204V हो, BS6 या BS4, कोई भी गाड़ी में ये लग जाता है, सबका सेम ही है। तो इसको लगाने के लिए ये देखिए पुराना है, ये पुराना और ये नया। सिर्फ एक नट की वजह से मुझको 557 रुपये का चूना लग गया। प्राइस देखा इसका 557। तो लग गया चूना, आप क्या करें। तो इसको लगाने के लिए इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा लगेगा लगने के बाद, ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा लगाने के बाद। तो आप जब इसको लगाएंगे तो पीछे से इसका जो पूरा किट है यहाँ पर होता है, तो इसको आप ऐसे पीछे करके सपोर्ट देंगे, तो उसके बाद ही लगा पाएंगे, ये भीतर में घुस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट देने के बाद इसको लगाएंगे तो आसानी से घुस जाएगा, ठीक है। तब कोई बात नहीं है, हो गया है। अब इसको जस्ट ये एलंकी को लगाने के, ऐसे एलंकी को लगाएंगे और इससे टाइट कर देंगे तो पूरा लग जाएगा एकदम, और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखिए ऐसा फिक्स्ड होता है कुछ, तो पूरा पूरी फिक्स्ड हो गया है। तो देखिए अब हिल अभी है, हिल भी नहीं रहा, एकदम फिक्स्ड हो गया, मतलब कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब भी ये वाला पैडल आपका ख़राब होता है तो आप जब नया खरीदने जाएंगे इस पैकेट में जो नया वाला होता है इस पार्ट नंबर में, तो उसके साथ ये एलंकी वाला बोल्ट नहीं होता है। या तो आप इसको, या फिर आप ये एलंकी वाला बोल्ट पुराना यूज़ कीजिए। मैंने पुराना ही यूज़ किया है, इसमें जो लगा होता है मैंने उसको ही यूज़ किया है, तो वो ठीक ठाक ही था, उसका नट ठीक ठाक ही था। वरना एक थर्ड पार्टी मैंने नट खरीदा, मगर ये छोटा है। अगर आपके पास में कोई शॉप है, अगर बड़ा मिलता है उसके साइज का, तो आप खरीद लीजिए। वरना जो पुराना होता है इसका, मतलब कि पुराना पैडल का, वही आप लगवा देंगे तो अच्छा ही होगा। देखिए एकदम फिक्स्ड हो गया है, नया का तो कुछ जुगाड़ ही अच्छा होता है। तो मैंने जुगाड़ किया था, मैंने ये वाला नट जुगाड़ किया था, इसके भीतर पेंच बनाया था, मगर ये नहीं हो पाया मेरा, इससे भी ये जुगाड़ भी फेल हो गया। जुगाड़ सब चीज़ में नहीं होता है, जो है जो भी है अच्छा हुआ है। अगर কি করে আমি শিকার করতে যাব কেন বলতে যাব বাবা আজকাল আমি আমার কথা বলছি।
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही बोलना चाहता हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर और कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब ठीक ठाक रहे।